नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। इससे पहले कि इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएं, इमरान खान द्वारा पाकिस्तानियों को हवाई घोड़े पर चढ़ाने वाली उनकी यह तकरीर सुन लेते हैं। इसे सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इमरान लोडे ने उन टोपीबाजों को करंट डिफिसिट के बारे में समझाया है जो पिछवाड़ा उठाऊ गिराऊ बयान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आइए सुनते हैं इमरान लोडे की यह तकरीर। 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, यानी जब आप किस पैसे देते हैं बाहर से इंपोर्ट करके फर्नेस ऑयल लेके आते हैं या जो आप गैस लेके आते हैं या कोयला लेके आते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, डॉलर कितने अंदर आ रहे हैं कितने बाहर जा रहे हैं। जब आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो करंट अकाउंट जब डेफिसिट में चला जाता है, यानी ज्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं कम अंदर आ रहे हैं, वो मुल्की माशी हालात उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपका ये खसारा होता है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, यानी आपके मुल्क में कम डॉलर आ रहे हैं बाहर ज्यादा जा रहे हैं, तो जैसे ही खसारा बढ़ता जाता है रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा $20 अरब का खसारा था जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं तो इसका मतलब डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। तो जब हमने ये गलत फैसले किए कि हमने फर्नेस ऑयल यानी बाहर से तेल इंपोर्ट करके उसके ऊपर जब बिजली बनानी शुरू की, तो उसका प्रेशर पड़ना शुरू हुआ हमारी करेंसी पे। ये याद रखें, जब आपका रुपया गिरना शुरू होता है सारी चीजें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती है, तो महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। महंगाई जब बढ़ती है सबसे ज्यादा गरीब आदमी को असर होता है, गुर्बत बढ़नी शुरू हो जाती है। मुल्क के पास फिर वो ताकत नहीं होती कि वो चीजें खरीदें जिससे मुल्क इंपोर्ट करके मशीनरी लगाए, इंडस्ट्री लगाए, वो सब कुछ महंगी हो जाती है। तो हमें बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की। और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। देखे दुकान करे पकौड़ों की और बात करे करोड़ों की। अभी तक दुनिया यही समझ रही थी कि पाकिस्तान में महंगाई और गरीबी के पीछे नवाज शरीफ का हाथ है। यह आज पता चला कि लड़का तेल से बिजली बनाने में पाकिस्तान की सारी रकम लुटा बैठा है। पर इसके बावजूद भी इस मुल्क में बिजली की हालत बारिश के मौसम में इंद्रधनुष ढूंढने जैसी है। पाकिस्तान में आजादी के बाद से लेकर छोटे बड़े कुल 150 के करीब डैम हैं। इन डैम में केवल 5 ही ऐसे डैम हैं जिनसे थोड़ी बहुत बिजली मिलती है, जबकि भारत ने 1947 के बाद से 3,200 से ज्यादा छोटे और बड़े डैम का निर्माण किया है। आज भारत बिजली उत्पादन में निर्यात करने की स्थिति में खड़ा है। पाकिस्तान में मौजूद आधे से ज्यादा डैम उसे भारत से ही बीक में मिले थे, मगर ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान इनका रखरखाव तक सही से नहीं कर पाया। आज मात्र 5 डैम ढंग की स्थिति में बचे हैं, वह भी तब जबकि इनमें से 3 पर चीनी कंपनियां नियंत्रण कर चुकी है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश साकिर निसार डैम के नाम पर चंदा मांगते मांगते लापता हो गए। उन्हीं के साथ वह चंदा भी अमावस्या का चंदा मामा बन गया, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से विदेशों तक गाल बजाए थे। यह वही इमरान लोडा है जिसने पिछले साल डैम के लिए भीख मांगनी शुरू की थी, मगर डैम के लिए उगाही सारी रकम चीन को सूद के तौर पर दे दी है। ऐसे में इमरान खान जो तेल इन मुल्लाओं की पीठ पर रगड़ रहा है, वह जैतून या चमेली की बजाय घासलेट है जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। गिलगित बाल्टिस्तान में भाषा डैम के लिए चीन $7 अरब लगा रहा है। अगर इमरान खान यह सोचते हैं कि उन्हें मुफ्त में बिजली मिलेगी तो उनका यह ख्वाब मुल्ला नसीरुद्दीन के गधे से बढ़कर नहीं हो सकता। चीन जानता है कि पाकिस्तान में बिजली के दाम एशिया में सबसे महंगे हैं, इसलिए वह इसमें भारी मुनाफा देख रहा है। मजे की बात यह है कि भाषा डैम में पाकिस्तान की मात्र 30% हिस्सेदारी है, इसलिए पाकिस्तान की बजाय चीनी डैम कहलाएगा। इमरान खान पाकिस्तान के जिस रुपए के गिरने उठने की बात कर रहे हैं, वह उनकी सरकार के आने से पहले तक ₹112 प्रति डॉलर पर था, आज 160 पर ऊपर नीचे हो रहा है। जबकि अपने 21 महीने के कार्यकाल में इमरान ने अरब सागर से तेल निकालने और जैतून के पेड़ गाड़ने से ज्यादा कुछ नहीं किया।
पर मदरसा पैदा इस मुल्क है, इनके सामने एक बार इंशाल्लाह बोल दीजिए, पूरा पाकिस्तान पिछवाड़ा उठाकर दैया नृत्य करने लगता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।